खर्ची पर्ची बंद की, आप लोग लगातार इस बात को लेके प्रचार भी करते हैं और ग्राउंड में जाते हैं कि हमने काबिलियत के आधार पे नौकरी दी, लेकिन हम भी ग्राउंड पे जा रहे हैं मूलचंद जी, लगातार युवाओं से भी बात कर रहे हैं, हर वर्ग से बात कर रहे हैं, और बहुत से युवा हमें ऐसे भी मिले जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब भले ही काम किए हों लेकिन एग्जाम हो कहाँ रहा है, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। हमने जितने पेपर इनके समय के स्कैंडल पकड़े हैं जो पीछे से करते थे, शुरुआत थी बहुत बड़ी शुरुआत, हरियाणा में ये मान के चलिए एक अलग तरह के एक क्राइम था कि डॉक्टर के डॉक्टर की डिग्री ले लो, एडवोकेट की ले लो, LLB ले लो, JBT की ले लो। आज बताया ना जो पुराने हैं एक साथ तो ठीक नहीं कर पाएंगे, समय लगा है। आज समय के बाद बताया ना इतनी आप जिन बच्चों के नौकरी लगे बता देंगे बच्चे, अगर कोई इस तरह का प्रयास करता है वो पकड़े जाते हैं। अब पकड़े जाते हैं तो फिर जेल भी जाते हैं, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, कितने लोग जेल के भीतर हैं, कितने तो ये आपकी सरकार की पारदर्शिता का हिस्सा है। नहीं, मैंने कहा सही कार्य किया है, हमने शुरुआत की है। जब किसानों की बात करते, किसानों के नाम से ओलावृष्टि में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होते, धनखड़ जी इस प्रदेश के कृषि मंत्री, आप लगाए धनखड़ जी के नेतृत्व में हमने 1000 करोड़ तो दिए थे, 1100 के आसपास ओलावृष्टि के नाम से, और 900 करोड़ दिए थे सफेद मक्खी के नाम से, जो कपास को मक्खी। इतना अच्छा काम किया, इतना मुआवजा दिया, तो धनखड़ जी चुनाव में हार क्यों गए? धनखड़ जी मैं टीम का सदस्य हूँ, वो धनखड़ जी सरकार ने काम किया, वो मुख्यमंत्री की टीम ने काम किया था, हारना जीतना तो अधीन है, ये तो लोगों के मतदाता बताएंगे, पर उनके जितना इतिहास में पैसा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इनकी पूर्व सरकार पूछो कितना दिया, इनके आंकड़े बता देना। तो क्यों अलग अलग जगह पे जहां भी कैंडिडेट जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, विरोध का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, विरोध वो लोग हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, किसान नहीं है, किसान तो उत्तर प्रदेश में भी है, किसान तो राजस्थान में भी है, किसान तो फरीदाबाद में भी है, किसान तो मेवात में भी है, किसान तो रेवाड़ी नारनौल में भी है, किसान तो पंचकुला में भी है, अम्बाला में भी है, तो कुछ क्षेत्र हैं जो पार्टी के नाम से काम करते हैं। मेरे तो ये किसान नहीं है, ये लोग ये किसान नहीं है जो, मैं मानता हूँ पार्टी के पद कार्य करते हैं, पर जो व्यक्ति को मैं किसान तो ये भी तो है, मैं सबको मिला है, सबको दिया है। विरोध करने वालों को क्या कहेंगे? बीजेपी कैंडिडेट्स को रोक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। मेरा किसी का विरोध करना है? मुझे विरोध करना चाहे कुछ भी नहीं, मुझे विरोध करना है। अब विरोध करना ही ये हल नहीं है किसान का, विरोध भाई विरोध के लिए विरोध करना है। मेरा कहना है कि जितना प्रदेश में जितना केंद्र कार्य किए कभी देश और प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ नहीं।